इन तरीकों पे जब मैं परीक्षा में लिखे कैसे अलग से मैं बात करूंगा। आज हम उन पैशन, उन जुनून, उन धैर्य, उन क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं जो एक आईएएस एस्पिरेंट के लिए अनिवार्य है। भले ये क्षमता आपके अंदर, देखिए ऐसा नहीं, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल निडर बनिए, ऐसा नहीं है, आपके अंदर डर भी होना चाहिए। आपको लग रहा होगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अरे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डर हमेशा खराब थोड़ा होता है, डर आपको सतर्क रखता है। बहुत ज्यादा आप निडर हो जाएंगे तो लापरवाह हो जाएंगे, बहुत ज्यादा निडरता तो आपको लापरवाह बना देगा, है छोड़ो क्या होगा देखा जाएगा। थोड़ी बहुत तो किसी परीक्षा के क्षेत्र में, किसी तैयारी क्षेत्र में थोड़ी बहुत तो डर स्वाभाविक है, लेकिन वो डर आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। वह डर तब तक है जो आपको सतर्क बनाए रखे अपने परीक्षा के प्रति, अपने तैयारी के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, आप वो सतर्क रहे। बहुत ज्यादा निडर होना आपको अपनी तैयारी के प्रति क्या कर सकता है, लापरवाह बना सकता है। ये गुण जितने मैंने बताए आपके अंदर ये अवश्य होना चाहिए, और चीज हो चाहे ना हो, चाहे आप एकेडमिक रूप से टॉपर हो चाहे ना हो, चाहे आपके पास बहुत संसाधन हो ना हो, चाहे आपके पास गाड़ी मोटर बंगला हो ना हो, चाहे आप दिल्ली जा सके या ना जा सके, ये इन गुणों से पहले ये गुण ज्यादा जरूरी है जो मैंने आपको बताया। ये गुण आपके अंदर होना मस्ट है। अगर ये गुण है तो और गुणों की आवश्यकता जो है वो तो है ही, लेकिन वो बात की बात है। पहले ये गुण आपके अंदर जरूर हो जाना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। और यही गुण एक गरीब से गरीब व्यक्ति को, एक अनाथ से अनाथ व्यक्ति को भी आईएएस बनाता है और बना सकता है और बना भी रहा है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जाने जो बहुत गरीब रहा हो तो वो बताएगा कि कुछ नहीं था मेरे पास, ये था। एक टीचर से, एक कोचिंग में एक ही मटेरियल कई विद्यार्थी पढ़ते हैं। मान लीजिए दो पक्के दोस्त एक ही मटेरियल पढ़ रहे हैं, एक ही किताब पढ़ रहे हैं, एक ही शिक्षक से पढ़ रहे हैं, एक सफल हो जा रहा, दूसरा नहीं सफल हो रहा। किस्मत छोड़ दीजिए, पहले कर्म पर आइए, किस्मत छोड़ दीजिए। हो सकता है एक स्टूडेंट, एक उसका मित्र बहुत टॉपर रहा हो एकेडमिक बैकग्राउंड, लेकिन उनके धैर्य परिश्रम की क्षमता ना रहा हो, एग्जाम में टिकने की क्षमता ना हो, या एग्जाम में उसका धैर्य उखड़ जाता हो, और एक छात्र, एक जो उसका मित्र है उसके अंदर ये सारी क्षमताएं हो, तो ऐसा हो सकता है कि जिसके अंदर ये सारी क्षमताएं थी वो सफल हो गया, और जिस छात्र के अंदर ये सारी क्षमताएं नहीं थी वो ना सफल हुआ हो। तो हमें इन चीजों का, बाकी चीजें तो बाद की चीज है लेकिन ये चीजें अनिवार्य है। अब आइए कि सिविल सेवा के प्रति धारणा क्या हमारी होनी चाहिए। देखिए सिविल सेवा एक वैचारिक क्रांति, सिविल सेवा की तैयारी एक वैचारिक क्रांति है। अब आप पूछेंगे वैचारिक क्रांति का मतलब क्या हुआ। देखिए सिविल सेवा की तैयारी एक वैचारिक डेवलपमेंट भी है, आपके विचारों में विकास होना बहुत जरूरी है। अब आप कह रहे हैं कि सर ये वैचारिक क्रांति का क्या मतलब है। वैचारिक क्रांति ही आपको सिविल सेवा में बहुत आसानी से सफलता दिला सकती है। फला राइटर ने क्या कहा, फला किताब ने कहा क्या, फला कोचिंग ने क्या कहा, फला टीचर ने क्या कहा, फला विद्वान ने क्या कहा, इससे कोई मतलब नहीं है। सब पढ़कर आप क्या कहते इससे मतलब, आपके अंदर कुछ कहने की क्षमता विकसित हुई कि नहीं। अगर हो गई तो वैचारिक क्रांति बन गई, हो गई तो आपके अंदर वैचारिक डेवलपमेंट हो गया। लेकिन अगर सब कुछ पढ़कर आपके अंदर कहने की कुछ क्षमता ही विकसित नहीं हुई तो पढ़ाई क्या हुआ। आप देखिए सिविल सेवा के ज्यादातर प्रश्न नहीं आते, उसे पूछता कि आपका मत क्या है, आपका विचार क्या है, तो वो क्या कह रहा है आपसे, भारत में भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा अपना मत दीजिए, तो ये थोड़ा कह रहा है किताब का मत बताइए। बहुत लोग कहते हैं कानून सख्त होना चाहिए, लेकिन कानून तो सख्त है,
कुछ लोग कहते हैं कानून का अनुपालन होना चाहिए, सब तो हो रहा है, तब भी भ्रष्टाचार दिन दुना रात चौना बढ़ता जा रहा है, तो क्या होना चाहिए? यही तो वैचारिक क्रांति है कि आप बताएं क्या होना चाहिए, जो सब बता रहा वही आप बता दिए तो वैचारिक डेवलपमेंट कहां हुआ? आप ना बताइए क्या होना चाहिए, तो वही तो हो रहा है कि फला विद्वान ने क्या कहा, फला टीचर ने क्या कहा, फला शिक्षक ने क्या कहा, फला कोचिंग ने क्या कहा, फला किताब ने क्या कहा, इससे मतलब नहीं, सब कुछ पढ़कर आप कुछ कह पा रहे हैं कि नहीं। यही वैचारिक क्रांति है, यही वैचारिक डेवलपमेंट है जो आईएएस बनाने के लिए काफी है, क्योंकि सिविल सर्विसेज परीक्षा के एग्जाम में आपसे आपकी मौलिकता पूछी जाती है कि आप क्या सोच रहे हैं भाई। आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, कल को आप सचिव बनेंगे, देश की नीतियों को निर्धारित करेंगे, नीति नियंता बनेंगे, कानून बनाएंगे, तो कुछ आपके अंदर है कि नहीं है कि आप लकीर के फकीर हैं? निश्चय ही लकीर का फकीर बनना ये सिविल सेवा में बहुत घातक होता है। और वह विद्यार्थी जो गरीब से गरीब है, वो कम किताब पढ़कर भी उसके अंदर कुछ कहने की क्षमता आ जाती है, कम संसाधनों के बाद भी उसके अंदर कहने की क्षमता पैदा हो जाती है, और उसके अंदर वैचारिक डेवलपमेंट हो जाता और आसानी से परीक्षा बीट कर जाता है। लेकिन वह विद्यार्थी जिसको अपने संसाधनों का गुरूर रहता है, गर्व रहता है, उसको सब कुछ पढ़कर भी वैचारिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वैचारिक क्रांति नहीं उत्पन्न हो पाता है, और वह नहीं लिख पाता है। पर किताब तो वो जान ही रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किताब को बिल्कुल परहेज करिए, लेकिन आपके अपने स्वाभाविक बात तो आना चाहिए ना, आपके अपने स्वाभाविक डेवलपमेंट जरूर होना चाहिए सिविल सेवा में, क्योंकि आधे से आप प्रश्न अगर देखेंगे तो लगभग सभी प्रश्नों में ऐसे ही मांग करता है। आप देखें कि जो फोर्थ पेपर है एथिक्स का, उसमें जो केस स्टडी है वो तो आपके विचारों को ही पूछ रहा है ना, उसका तो प्रश्न तो मालूम नहीं है किसी को कि उसका उत्तर आप किताब से सदा सदा लिख पाएंगे। उस प्रश्न केस स्टडी के प्रश्न भी तो आपके वैचारिक क्रांति डेवलपमेंट की मांग कर रहा है, क्योंकि 10-100 लोग उत्तर लिखेंगे तो अपना ही लिखेंगे। अब किसका उत्तर सटीकता के नजदीक है वो सफल हो जाएगा। तो सटीकता के नजदीक कब आएगा? जब आपके अंदर कुछ कहने की, कुछ बताने की हर समय क्षमता विकसित होता रहे। अगर आप हमेशा किताबी कीड़ा बने रहेंगे तो ये क्षमता डेवलप ही नहीं होगा। केस स्टडी को आप अगर ऐसे देखें कि हर बात को स्वयं हल करने का आप बार बार प्रयत्न करते रहें, आप देखें केस स्टडी सरल हो जाएगा। खुद समस्याओं को उठाएं और देखें उसके क्या क्या हल हो सकते हैं, आप देखें केस स्टडी सरल हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि 200-400 आप साल पढ़ लिए और सोच रहे उससे हमारा वैचारिक डेवलपमेंट हो जाएगा, उससे हमारे अंदर कुछ कहने की क्षमता, ऐसा नहीं हो पाएगा, एग्जाम में आप मात खा जाएंगे। सिविल सेवा की तैयारी एक वैचारिक क्रांति है, और अगर आपके वैचारिक आपके अंदर अगर वैचारिक डेवलपमेंट हो जा रहा है, वैचारिक क्रांति पैदा हो जा रहा है, तो आप मान लीजिए कि सफलता के निकट है। आपको यह जान के चलना है कि सिविल सेवा में वैचारिक क्रांति ही आपको बहुत आसानी से सफलता दिला देगी, अन्यथा इसमें किताबी कीड़ा बनने की आवश्यकता नहीं है। इसका सीधा साधा प्रमाण यह है कि गरीब से गरीब बच्चा अगर कम से कम किताब पढ़कर भी सेलेक्ट हो जा रहा है तो उसके पीछे वैचारिक डेवलपमेंट ही है। कम संसाधनों में वो ज्यादा डेवलप कर ले रहा है, कम संसाधनों में परिणाम ज्यादा दिखा दे रहा है, क्योंकि उसके अंदर कुछ कहने की क्षमता विकसित हो चुकी है। आप हमेशा याद रखिए कि धैर्य, परिश्रम और न हार मानने वाली जिद, दृढ़ संकल्प आपको सिविल सेवा की परीक्षा में, वैचारिक क्रांति आपको सिविल सेवा परीक्षा में वो दिला सकता है जो आप सपने में देखते, जो कभी आप सपने में देखते होंगे वो इन चीजों से आपको आसानी से मिल सकता है। मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। कुछ किए बिना जय साकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आपको धैर्य रखकर बार बार कोशिश करना है। एक पत्थर को तोड़ने के लिए
एक चोट मारा गया, दो चोट मारा गया, तीन हथौड़ा मारा गया, चार हथौड़ा मारा गया, और वह हथौड़ा जब सौवा हथौड़ा मारा गया पत्थर टूट गया। अब जो सौवा चोट था या सौवा हथौड़ा था वो बाकी 99 हथौड़ों से यही बार बार करा रहे, यार तुम लोग क्या हो, देखो मैंने जैसे मारा टूट गया। लेकिन उस सौवे हथौड़े को, सौवे चोट को अपने इस मूर्खतापूर्ण वक्तव्य पर यह नहीं ध्यान जा रहा है कि उस पत्थर को तोड़ने में उन 99 असफल चोटों का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि उन 99 असफल चोटों ने ही उस पत्थर को कमजोर किया और सौवे में टूट गया। वो तो मूर्ख ये समझ रहा है कि मैं सौवे में तोड़ दिया, लेकिन वो ये नहीं जान रहा है कि 99 असफल भले हुए, 99 चोट भले ही असफल हुए, लेकिन पत्थर को तोड़ने में सबसे बड़ा योगदान होने का। ऐसे ही आप भी जानिए, सफलताएं भले ही बार बार आ रही हैं, लेकिन वो सफलता किन क्यों है? भले ही आपको लग रहा है कि मैं बार बार असफल हो रहा हूं, भले ही आपको लग रहा है कि मैं, मेरा भाग्य ही नहीं काम कर रहा, मेरी किस्मत ही नहीं काम कर रहा, लेकिन आप ये मान के चले वो उन्हीं 99 असफल चोटों की तरह आपके सफलता की नींव का निर्माण कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप रात में सोए रहेंगे और सफलता आपके गोद में आकर बैठ जाएगी, और आप सुबह उठेंगे, आप जीत जाएंगे और आपको लगेगा कि मैं सफल हूं। सिविल सेवा की तैयारी में याद रखिए विद्यार्थियों, कठिनाइयां आएंगी, दुख मिलेंगे, संघर्ष आएगा, कष्ट मिलेंगे, सब कुछ होता जाएगा, लेकिन आपको धैर्य रखकर आगे बढ़ते जाना है और अंत में सफलता प्राप्त करके रहना। दुख शोक जो भी आ पड़े धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। याद रखिए प्यारे विद्यार्थियों, सिविल सेवा में ये सारे दुख आएंगे, परेशानियां आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, कष्ट मिलेंगे, लोग ताना देंगे, हर कुछ मिलता जाएगा, लेकिन आपको हर इन चीजों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जैसे धुंध में आप गाड़ी चलाते जाते हैं, कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसमें आगे बढ़ते जाते हैं रास्ता दिखता चला जाता है, वैसे ये कठिनाइयां, ये परेशानियां, ये संघर्ष, ये सफलताएं धुंध हैं। इनको दरकिनार करते हुए जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको सफलता का मार्ग दिखता चला जाएगा। मत भूलिए प्यारे विद्यार्थियों, बड़े लक्ष्य के लिए बड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है। झोपड़ी बनाने में 1-2 दिन लगते, महल बनाने में वर्षों लग जाते हैं। ताजमहल बनाने में 22-23 वर्ष लगे। आपको भी सिविल सेवा रूपी महल ही बनाना है, और इसमें समय लगेंगे, कठिनाइयां आएंगी, संघर्ष होंगे, लेकिन आप अगर अडिग रहेंगे तो ये चीज, ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। मत भूलिए, सूर्य की तरह चमकने के लिए आपको पहले सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य के तरह चमके पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को प्रकाशित करे, अरे पहले सूर्य की तरह जलिए, तो सूर्य की तरह संघर्ष तो करिए, तब ना आप सूर्य की तरह चमकेंगे। बिना जले आप कैसे चमकेंगे? जलने का मतलब बिना संघर्ष के, बिना दुख के, बिना शोक के, बिना असफलता के, बिना कष्ट के, बिना परेशानियों के आप कैसे चमकेंगे? ये कठिनाइयां परेशानियां आपके धैर्य की ही परीक्षा है। मत भूलिए, लक्ष्य जितना बड़ा होगा उसका संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। आप भारत की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि कितना संघर्ष हो रहा है, कितना कठिनाइयां मिल रही हैं। अरे एक मूर्ख भी अगर अपने सारे बल को एक कार्य में लगा देता है और एक बेसब्र बलवान अपने शक्ति को कई जगह बांट देता है, तो मूर्ख अगर एक जगह बल लगा रहा है तो वो कुछ बहुत कुछ कर सकता है, और बेसब्र बलवान अपने शक्तियों को अगर बांट देता है कुछ नहीं कर सकता है, उसकी शक्तियां बट गई। सिविल सेवा की तैयारी में आप यही काम करिए, शक्ति को एकाग्र कर दीजिए, पूरा शक्ति, अर्जुन की तरह आपको चिड़िया का आंख ही दिखना चाहिए,
मत भूलिए कि आपका लक्ष्य एक ध्रुव तारे की तरह आपको हमेशा मार्गदर्शन देता रहेगा, एक ध्रुव तारे की तरह आपको हमेशा दिशा दिखाता रहेगा, और आप वहां पहुंच जाएंगे जो आप कभी सपने में देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सिविल सेवा की तैयारी निश्चय ही एक जुनून है, एक संकल्प है, एक जिम्मेदारी है, एक देश सेवा है, जिसके लिए आपको हर हाल में आगे बढ़ना। मत भूलिए कि यह एक गर्व है का विषय है, मत भूलिए यह आपके लिए नहीं, आपके पीढ़ियों के लिए गर्व का विषय है, आपके परिवार के लिए गर्व का विषय है, आपके समाज के लिए गर्व का विषय है, और देश के लिए भी एक गर्व का विषय है। अगर आप एक अच्छे अधिकारी बनते हैं, एक देशभक्त अधिकारी बनते हैं, आप एक ऐसा अधिकारी बनते हैं जो लोगों को संकटों से पार कराता है, जो लोगों के समस्याओं को दूर करता है, जो देश सेवा के लिए हर प्रकार का बलिदान कर सकता है, तो आप सच मानिए, यकीन मानिए, आप एक बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी सफलता की तैयारी कर रहे हैं, एक बहुत बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तब जब आप अपने कर्तव्य को पूरे ईमानदारी से निभाएं। सिविल सेवा की तैयारी एक राजत्व है। पुराने जमाने में जैसे राजा महाराजा, अब सिविल सेवा की तैयारी में बहुत लोग इंटरव्यू में पूछा जाता, आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं? अब उसमें बहुत लोग आदर्श वाले जवाब दे देते हैं कि मुझे बहुत बड़ा सेवा करना था, देश का सेवा करना था। तपाक से प्रश्न पूछता इंटरव्यूअर कि भैया आप नेता बनकर भी सेवा कर सकते थे, बहुत मंत्री बन जाते आप। सिविल सेवा की तैयारी का यह मतलब नहीं है कि मंत्री का पद इससे बड़ा है और उसमें सेवा का ज्यादा अवसर है। एक पढ़ा लिखा विद्यार्थी, एक पढ़ा लिखा योग्य विद्यार्थी जिसने जीवन दिया हो पढ़ाई में, तो उसके लिए अपने पढ़ाई को ही करके, अपने ज्ञान को ही लेकर बड़े लक्ष्य की प्राप्ति ज्यादा आसान लगता है, ना कि नेतागिरी। आजकल नेतागिरी क्या है? छल है, कपट है, बहुत हद तक दलाली है। इधर का उधर करें, उधर का इधर करें। क्या एक पढ़ा लिखा सच्चा व्यक्ति जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, जहां एक सांसद बनने के लिए, एक विधायक बनने के लिए, एक प्रधान बनने के लिए करोड़ों लग जाता है, उसके पास तो कुछ नहीं है। एक विद्यार्थी के पास, उसके पास तो ज्ञान का ही खजाना है, उसका प्रयोग करके वो नेता तो नहीं बन सकता, मंत्री तो नहीं बन सकता। हां, आईएएस जरूर बन सकता है। आप ये जवाब एग्जाम में दे सकते हैं कि एक पढ़े लिखे विद्यार्थी के पास धन की पूंजी नहीं होती है, ज्ञान की पूंजी होती है, और ज्ञान की पूंजी बनके कोई नेता या मंत्री नहीं बन सकता है, उसके लिए कुछ अन्य अवगुण चाहिए। आप हमारे कहने की क्या जरूरत है? आप मार्केट में खुद देख लें, पॉलिटिक्स के अंदर खुद देख लें, हमें क्या बताने की जरूरत है? लेकिन हां, अगर उसके अंदर ज्ञान की पूंजी है, उसकी झोली ज्ञान से भरी है, कलेक्टर जरूर बन सकता है, चाहे और चीज हो चाहे ना। इंटरव्यू को आप ही बता सकते हैं, अगर वो यह कहता कि आप नेता बन के सेवा, तो आप बता सकते हैं एक ज्ञान से भरा हुआ, मेरे पास ज्ञान का ही खजाना है, धन का खजाना नहीं है, मेरे पास धैर्य है, परिश्रम है, ना हारने की जिद है, और यह संकल्पना निश्चय ही एक सिविल सेवा सर्विसेज के अंतर्गत, एक सिविल सेवा के विद्यार्थियों के अंदर जरूर होना चाहिए। आपका संघर्ष और संघर्ष करने की क्षमता इतनी होनी चाहिए कि आपकी योग्यता, आपका परिश्रम पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर को बनाने से पहले खुदा भी बदले से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। संघर्ष का आपका इतना ऊपर चरम पर पहुंच जाना चाहिए कि असफलता भी आपसे कर लेंगे भैया, समय भी आपसे कर लेंगे भैया, कि तू तो सही था, मैं ही खराब था, अब तुम विजयी हो, जाओ, मेरा मैं रास्ता छोड़कर जा रहा हूं, कोई भी रास्ते में तुम्हारे बाधा नहीं पैदा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, सिविल सेवा की तैयारी एक गर्व का विषय है, और मैंने इसे आपको बार बार बताया, तो आइए हमारे साथ सिविल सेवा की इस महान तैयारी को पूरा करें, प्रारंभ करिए, और आकाश के ऊंचाइयों पर अपना नाम लिखाकर
दुनिया को यह दिखा दीजिए कि आप भी बड़ा से बड़ा काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।